everyone. I hope you all are good and safe at home. So today we are going to solve question answer of chapter 1st, A Letter to God of class 10th English. Here is the first question. That is, what did Lencho hope for? Lencho ko kiski hope thi? Kis cheez ki aasha thi? So you can write, Lencho hoped for a good rain as it was much needed for a good harvest. जैसा कि आप जानते हैं, लेंचो हु इज़ अ फार्मर और उसने अपने फील्ड्स में क्रॉप की फसल उगाई थी, तो उस अच्छी फसल के लिए एक अच्छी रेन की आवश्यकता थी और वही गुड रेन की होप लेंचो को थी कि उसकी फसल अच्छी हो, उसके लिए एक अच्छी बारिश हो जाए. नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को, उन बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन क्यों कहा, न्यू कॉइन से क्यों कंपेयर किया? लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स बिकॉज दे वर प्रॉमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी. लेंचो ने उन रेन ड्रॉप्स को, उन बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन से कंपेयर किया क्योंकि वो किसको प्रॉमिस करती हैं, अच्छे हार्वेस्ट की प्रॉमिस करती हैं. अगर बारिश होती है तो उससे फसल अच्छी होती है और उसका रिजल्ट होता है प्रॉस्पेरिटी, मीन संपन्नता. अगर हार्वेस्ट अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, तो लेंचो पैसे कमा पाएगा और अपनी फैमिली को फीड करा पाएगा. इसलिए उसने रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया न्यू कॉइन से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड? बारिश कैसे चेंज हो गई और लेंचो उसके फील्ड का क्या हुआ? सो यू कैन राइट, द रेन चेंज इंटू हिल स्टोन एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड ह्यूज हिल स्टोन्स बिगिन टू फॉल अलोंग विद द रेन. ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन. बारिश जो थी वो हिल स्टोन में चेंज हो गई. जब हैवी रेनफॉल होने लगा तो उसके साथ ओले भी गिरने लगे और तेज हवाएं चलने लगी, और जो बड़े बड़े ओले थे जो बारिश के साथ गिर रहे थे, उसकी वजह से लेंचो की जो फील्ड थी, लेंचो ने अपने फील्ड में जो क्रॉप्स उगाई थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई उस बैड वेदर कंडीशन की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What were Lencho's feeling when the hail stopped? और जब ओले गिरना स्टॉप हुआ, ओले गिरना रुका, तो लेंचो की क्या फीलिंग थी, लेंचो उस समय क्या सोच रहा था? लेंचो was filled with grief after the hail stopped as everything was ruined and there was nothing that he could feed his family with. He could see a bleak future for him and his family. जब ओले गिरना स्टॉप हुआ तब तक लेंचो की जो क्रॉप थी वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई, जिसको देखकर लेंचो ग्रीफ से, दुख से भर गया, क्योंकि उसने जितनी मेहनत अपने खेतों में की थी अपनी फसल को उगाने के लिए, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और उसको अपनी फैमिली को फीड कराने के लिए अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था. और वो देख सकता था अपना और अपनी फैमिली का जो अंधकार भरा फ्यूचर था, वो उसको देख सकता था. सो हिल स्टॉप होने के बाद उसकी जो फीलिंग थी वो बहुत बुरी थी, वो सैडनेस से भर गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु एंड और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू? लेंचो का फेथ, लेंचो का जो विश्वास था वो किस में था और उसके लिए उसने क्या किया? लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड. ही बिलीव That God see everything, even what is deep in one's conscience, and help everyone in one's problems. He wrote a letter to God demanding him 100 pesos to sow his field again. लेंचो का जो दृढ़ विश्वास था वो गॉड में था, और उसे विश्वास था कि जो कोई नहीं देख सकता, भगवान सब कुछ देख सकते हैं, यहाँ तक कि उसकी जो अंतर आत्मा है उसमें क्या चल रहा है वो भी भगवान देख सकते हैं, और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, लेंचो की जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें केवल भगवान ही हैं जो उसकी हेल्प कर सकते हैं.
इसके लिए उसने गॉड को एक लेटर लिखा और उस लेटर में उसने डिमांड की कि अपने फील्ड में बीज बोने के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए उसको 100 पैसों की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रेड द लेटर। लेटर किसने पढ़ा? पोस्टमास्टर रेड द लेटर। एज वी नो दैट कि पोस्टमैन ने वो लेटर लिया, लेकिन उसे पढ़ा किसने? उसे पढ़ा पोस्टमास्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर। लेटर पढ़ने के बाद पोस्टमास्टर ने क्या किया? सो आंसर इज द पोस्टमास्टर लाफ्ड। पोस्टमास्टर हंसे व्हेन ही रीड द लेंचोस लेटर, जब उन्होंने लेंचो का लेटर पढ़ा। बट सून ही बिकेम सीरियस एंड वॉज मूव्ड बाई द राइटर्स फेथ इन गॉड। और इमिडिएटली वो सीरियस हो गए, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि लेंचो का जो फेथ है वो गॉड में इतना स्ट्रांग है, तो उसके साथ मूव हो गए और इतना इम्प्रेस हो गए। तो सबसे पहले तो पोस्टमास्टर हंसे उस लेटर को पढ़ के, फिर अचानक ही वो सीरियस हो गए, क्योंकि जब उन्होंने लेंचो का फेथ देखा गॉड में, तो उन्हें वो उन्होंने विश किया कि काश उनका भी इतना फेथ गॉड में हो पाता। He didn't want to shake Lancho's faith. वो लेंचो का जो फेथ है भगवान में, उसको ब्रेक नहीं करना चाहते थे, उसको नहीं डगमगाने देना चाहते थे। So he decided to collect money and send it to Lancho on behalf of God. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो मनी कलेक्ट करेंगे और गॉड के बिहाफ में वो लेंचो को उस मनी को सेंड भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। जब लेंचो ने उस लेटर में, उस एनवलप में मनी देखी, तो क्या लेंचो को सरप्राइज हुआ? हिज आंसर, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विथ मनी फ्रॉम गॉड एज ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम। लेंचो को उस लेटर के साथ मनी देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, बिकॉज ही न्यू गॉड उसकी हेल्प जरूर करेंगे। उसे इतना फेथ था गॉड में कि अगर उसने गॉड को लेटर लिखा है और उनसे मनी की डिमांड की है, तो गॉड उसे अवश्य ही पैसे भेजेंगे, अवश्य ही उसकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड लेंचो एंग्री। किस चीज़ ने लेंचो को एंग्री कर दिया? किस चीज़ से लेंचो को गुस्सा आया? सो आंसर इज देयर वर ओनली 70 पैसोस इन द एनवलप, वेयर एज लेंचो हैड डिमांडेड 100 पैसोस। द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री। जैसा लेंचो ने लेटर में लिखा था कि उसे 100 पैसों की आवश्यकता है, उसने 100 पैसों की डिमांड की थी, पर उसे केवल 70 पैसों ही मिले, उस एनवलप में उसे केवल 70 पैसों ही मिले, तो ये जो अमाउंट का डिफरेंस था, उसे देखकर लेंचो को गुस्सा आ गया, क्योंकि जितने अमाउंट की उसने डिमांड की थी, उससे उसको कम अमाउंट मिला था। दिस मेड लेंचो एंग्री। Now see the next question. Who does Lancho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? Lancho को किस में पूरा विश्वास था? और story में ऐसे कौन से sentences हैं जो ये बताते हैं? Here is the answer. Lancho has complete faith in God, as he is instructed that God knows everything and help us in our problems. लेंचो को complete faith था God में, और जैसा वो कहता है कि God सब कुछ जानते हैं और उनकी जो problems हैं उसमें केवल God ही उनकी help कर सकते हैं। There are few sentences which show this, और ऐसे story में कुछ sentences हैं जो ये दिखाते हैं। First one is, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. उस वैली के मिडल में जो अकेला घर था लेंचो का, वहाँ रहने वाले सभी लोगों के हार्ट में एक सिंगल होप थी, दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड।
दीज लाइन शोज द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड, कि जब उसकी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है हैवी रेनफॉल और हेलस्टोन की वजह से, तो फिर भी उसके उन सभी के दिलों में ये विश्वास होता है कि भगवान जो हैं वो उनकी हेल्प जरूर करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस. अब जब लेंचो की जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो सारी रात केवल एक ही अपने होप के बारे में वो सोचता रहता है कि चाहे कोई उसकी हेल्प ना करे, गॉड उसकी हेल्प अवश्य करेंगे. वो कहता है कि भगवान की जो आंखें हैं वो सब कुछ देख सकती हैं, यहाँ तक कि इंसान के दिमाग में, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसकी अंतरात्मा में क्या चल रहा है, वो कौन सी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो सब कुछ भी भगवान देख सकते हैं. सी द नेक्स्ट सेंटेंस. गॉड ही रॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. उसकी जो क्रॉप है जब वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो अपने फेथ की वजह से ही वो गॉड को लेटर लिखता है और उसमें वो मेंशन भी करता है, गॉड अगर आप हमारी हेल्प नहीं करते तो क्या होगा, हमारी फैमिली और मैं इस साल भूखे ही रहेंगे. नेक्स्ट, ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. अब अपने लेटर को वो एनवेलप में रखता है और एनवेलप में एड्रेस मेंशन करता है टू गॉड. जब वो लेटर को अपने पास रखता है उस समय भी वो थोड़ा सा ट्रबल में होता है, थोड़ा टेंशन में होता है, लेकिन फिर भी वो उस लेटर को पोस्ट करने के लिए टाउन की ओर जाता है. यहाँ हम देख सकते हैं कि गॉड में लेंचो का कितना फेथ है, कितना विश्वास है कि पहले तो उसने गॉड को लेटर लिखा और फिर उसे पोस्ट भी करने चला गया. इन नेक्स्ट सेंटेंसेस वी कैन सी गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. जब लेंचो को रिप्लाई आता है उस लेटर का और पैसे जितना उसने डिमांड की होती है उससे कम अमाउंट उसे मिलता है, तो वो कहता है कि गॉड ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते, जो लेंचो ने उससे रिक्वेस्ट की है 100 पैसों की वो उसको मना नहीं कर सकते. सो दीज आर द सेंटेंसेज वेयर वी कैन सी द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो. पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों सेंड करते हैं, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और एज अ साइन वो उस लेटर में एज अ साइन वो गॉड क्यों मेंशन करते हैं. सो आंसर इज द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड अलाइव एंड फॉर्म एज ही वॉज कम्प्लीटली मूव्ड बाई इट. पोस्ट मास्टर लेंचो को मनी सेंड करते हैं क्योंकि जब वो उस लेटर को देखते हैं, उसमें एड्रेस देखते हैं कि वो भगवान को लिखा गया है, तो उस फेथ को देख कर, गॉड पे लेंचो के फेथ को देख कर वो टोटली सरप्राइज हो जाते हैं और कम्प्लीटली उसके साथ मूव हो जाते हैं, और भगवान पे जो उसका फेथ है वो उसको अलाइव रखना चाहते हैं, उसको जीवित रखना चाहते हैं, उसको शेक नहीं करना देना चाहते हैं, इसलिए वो पोस्टमास्टर लेंचो को मनी सेंड करते हैं. व्हेन पोस्टमास्टर रीड्स द लेटर ऑफ लेंचो टू गॉड, जब पोस्टमास्टर गॉड को लिखे गए लेंचो के लेटर को पढ़ते हैं, ही बिकम्स सीरियस, तो वो सीरियस हो जाते हैं एंड डज नॉट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ एंड डिसाइड टू आंसर द लेटर. और गॉड पे लेंचो का जो फेथ है वो उसको शेक नहीं करना चाहते, उसको नहीं डगमगाना चाहते और डिसाइड करते हैं कि वो लेटर का आंसर कर देंगे. ही गैदर्स मनी विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स ऑन बिहाफ ऑफ गॉड एंड साइंस द लेटर गॉड सो द लेंचोज फेथ डज नॉट गेट शेकन. और इसके लिए वो उनके पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज होते हैं और फ्रेंड्स होते हैं वो उनके साथ मिलकर
कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके साथ मिलकर पैसे गैदर करते हैं और ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड वो लेंचो को मनी सेंड करते हैं और उसमें एज अ सिग्नेचर वो लिखते हैं गॉड, ताकि जो लेंचो का फेथ है गॉड पर वो ब्रेक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट? क्या लेंचो ने ये पता लगाने की कोशिश की कि उसे जो मनी है वो किसने सेंड की थी, व्हाई, क्यों और क्यों नहीं? आंसर इज, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। तो लेंचो ने, जैसा आपने स्टोरी में पढ़ा कि लेंचो ने ये बिल्कुल भी पता लगाने की कोशिश नहीं की कि जो मनी उसको सेंड की गई है वो किसने की, क्योंकि गॉड की जो प्रेजेंस है, गॉड की जो उपस्थिति है, वो उस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करना चाहता था और उसे बिल्कुल भी डाउट नहीं था कि भगवान नहीं है। ये उसका कंप्लीट फेथ था गॉड पर। ही कुड नॉट बिलीव दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स अदर देन हिम हु वुड सेंड हिम द मनी, और वो इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता था कि गॉड के अलावा उसे कोई और मनी सेंड कर सकता है। हिज फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही बिलीव दैट ही हैड सेंड मनी टू हिम फॉर हिज हेल्प इन हिज प्रॉब्लम। और ये उसका स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि गॉड ने ही उसे मनी सेंड की होगी उसकी प्रॉब्लम में उसकी हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? लेंचो क्या सोचता था, लेंचो को क्या लगता था कि जो बाकी का पैसा है, जो बाकी का बचा हुआ पैसा है, वो किसने ले लिया? व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट। An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. तो आपसे यहाँ पूछा गया है कि इस सिचुएशन में आयरनी क्या है? What is irony? जब हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और उससे कुछ अपोजिट हो तो ऐसी सिचुएशन स्ट्रेंज या अम्यूजिंग होती है। दैट इज कॉल्ड आयरनी और आयरनिक सिचुएशन। सो हेयर वी कैन राइट, लेंचो थिंक्स that the post office employees have taken the rest of the money as he had demanded 100 pesos from God. And in the letter there was only 70 pesos and God cannot make such a mistake. So he amuses that they have stolen the money. Lencho sochta hai, Lencho ko lagta hai ki jo post office ke employees hain, unhone hi wo bacha hua jo paisa hai wo nikal liya. Kyunki usne God se 100 पैसे उसकी डिमांड की थी, लेकिन उसे कितने मिले? उसे केवल 70 पैसों ही मिले। तो जो बाकी का बचा हुआ पैसा था, 30 पैसों जो थे, वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने निकाल लिया, क्योंकि भगवान तो ऐसी मिस्टेक कर ही नहीं सकते। तो यहाँ वो अम्यूज़ होता है कि जो पैसा है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने चुरा लिया है। द आयरन इन दिस सिचुएशन इज दैट Lencho suspect those people who helped him in his problem and tried to keep his faith alive in God. तो यहाँ इस सिचुएशन में आयरनी ये है कि लेंचो को शक था उन लोगों पर जिसने प्रॉब्लम में उसकी हेल्प की, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पर उसको शक था, उसको डाउट था कि जो पैसा गॉड ने उसको भेजा था तो उन एम्प्लॉयज़ ने क्या किया, उसमें से आधा अमाउंट निकाल दिया। और जो एम्प्लॉयज़ थे पोस्ट ऑफिस के, वो ट्राई कर रहे थे कि लेंचो का जो गॉड में फेथ है वो अलाइव रहे। तो दिस इज द आयरनी इन दिस सिचुएशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या रियल वर्ल्ड में भी लेंचो जैसे लोग होते हैं? What kind of a person would you say he is? आपको क्या लगता है कि लेंचो जो है वो किस तरह का पर्सन है, किस तरह का व्यक्ति है?
यू मे सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन. आप सुटेबल आंसर बॉक्स में से सेलेक्ट कर सकते हैं. देर आर द वर्ड्स ग्रीडी, नेव, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल, अनक्वेश्चनिंग. सबसे पहले इनकी मीनिंग जानते हैं. ग्रीडी मीन्स लालची, जिसको लालच हो पैसों का या अदर थिंग्स का. नेव मीन्स अनएक्सपीरियंस, हु हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ एनीथिंग. स्टूपिड यू नो, फूल, मूर्ख. अनग्रेटफुल मीन्स थैंकलेस. सेल्फिश स्वार्थी, जो सिर्फ खुद के लिए सोचे, खुद के लिए मांगे. कॉमिकल मीन्स हास्यप्रिय. अनक्वेश्चनिंग, हु हैज नो डाउट अबाउट एनीथिंग. सो वी कैन राइट, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन लाइक लैंचू, एज ही इज एन अनक्वेश्चनिंग एंड नेव काइंड ऑफ पर्सन. तो ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है लैंचो की तरह किसी पर्सन को ढूंढ पाना. मतलब लैंचो की तरह जो लोग होते हैं वो नॉर्मल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में ना के बराबर होते हैं, क्योंकि उसे वो किसी चीज़ को लेके डाउटफुल ही नहीं होता, किसी चीज़ को लेके उसे कोई डाउट नहीं होता. उसे लगा कि जब उसने लेटर सेंड किया गॉड को, तो उसे इतना विश्वास था कि गॉड उसको पैसे भेजेंगे, जबकि उसने बिना एड्रेस के ही वो लेटर सेंड किया था. तो उसे किसी चीज़ को लेके कोई डाउट नहीं होता. तो वी कैन से ही इज़ एन अनक्वेश्चनेबल एंड नेव काइंड ऑफ अ पर्सन. और कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन ऐसा काम तो करेगा नहीं. तो वो कैसा था? नेव काइंड ऑफ पर्सन. He is not stupid if he doesn't know who has sent him money or a letter will reach God without any address. वो stupid नहीं होता, वो मूर्ख नहीं होता अगर वो ये नहीं जानता कि money और वो letter जो है वो बिना address के उसको किसने भेजे हैं, या उसको money और letter भगवान बिना address के कैसे भेज सकते हैं. It is Lancho's faith in God. ये लैंचो का गॉड में फेथ ही था. इन रियल वर्ल्ड पीपल आर सेल्फिश एंड ग्रीडी एंड लैंचो इज टोटली लवेबल एंड डिफरेंट. रियल वर्ल्ड में क्या होता है, लोग अक्सर सेल्फिश होते हैं या ग्रीडी होते हैं. मतलब या तो खुद के बारे में सोचते हैं या उन्हें पैसों का या किसी अन्य चीज़ का लालच, ग्रीड होता है. लेकिन लैंचो इसके बिल्कुल विपरीत था, इसके अपोजिट था. वो बहुत लवेबल और डिफरेंट पर्सन था. So here we are completed our question answer. I hope you like it. और आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा. Thanks for watching. Stay safe at home.